हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन सो टूडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन अबाउट द एस वाई बी कॉम सेमिस्टर थ्री अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दिस वीडियो विल भी हेल्पफुल फॉर द आइडॉल स्टूडेंट्स एज वेल एज द रेगुलर स्टूडेंट्स तो ये जो आज का वीडियो है ये आइडोल स्टूडेंट्स के लिए जो लोग मुंबई यूनिवर्सिटी से आइडॉल से पढ़ रहे हैं एज वेल एज जो कॉलेज से रेगुलर एग्जाम देने वाले हैं एस का उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है तो मैं एक सीरीज ला रहा हूं अभी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एज वेल एज आपको मैनेजमेंट अकाउंट्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे मिलेंगे बेसिकली ये जो एम सी क्यू सीरीज शुरू करने का मेन इंटेंशन ये है कि लास्ट मोमेंट में आपके सारे के सारे कंसेप्ट इस एम सी क्यूज पैटर्न के बेसिस पे रिवाइज हो सके और ये एम सी क्यूज आपको अपने एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं तो शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है ऐप का लिंक आपके पास अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में सभी जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जहां पे भी मैं कुछ अपडेट करूँ तो आपको वहां से सारा रिलीवेंट इंफॉर्मेशन मिल पाए तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ड्रॉइंग्स इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट बहुत इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स आर डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट एंड अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज करंट अकाउंट इज मेन्टेन देखो ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फाइनल अकाउंट्स अगर हम फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो वी हैव टू इम्पॉर्टेंट मैथड्स इन दैट अगर कैपिटल मैथड की बात करें तो वी हैव द फिक्स कैपिटल मैथड एंड वी हैव द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड में क्या होता है जो ड्राॅइंग्स हमारा होता है वो कहाँ पे डेबिट uh, किया जाता है यहां पे ऐसा बोला है कि ड्रॉइंग्स डेबिट होता है हमारे कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है कैपिटल अकाउंट में बहुत इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट या सेपरेट अकाउंट करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या करते हैं हम ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल मेथड रहेगा तो फिर उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अल रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट डेथ या डिजोल्यूशन तो देखो हम हमारे असेट्स को रियलाइज करते हैं और असेट्स को रियलाइज करने के बाद जितने भी पैसे आते हैं वो पैसे से हम हमारे एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर लेते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट कभी प्रिपेयर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ डिजोल्यूशन तो डिजोल्यूशन के बेसिस पे जब डिजॉल्ड होता है फर्म जब फर्म बंद हो जाता है तब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एंड वी आर डूइंग व्हाट वी आर रियलाइजिंग ऑल दी असैट एंड वी आर पेइंग ऑफ द लाइबिलिटीज तो इसका राइट right आंसर आपका बनेगा डिजोल्यूशन नेक्स्ट पॉइंट द अमाउंट फाइनली लेफ्ट अनपेड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी इन कैपिटल रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेशियो ऑफ ड्रॉइंग्स या इक्वली तो दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर ऑफ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ कैश तो मैं आपको साइड बाय साइड चैप्टर्स भी बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि किस टाइप के एम उस चैप्टर से बन सकते हैं तो फाइनल अमाउंट जो बचती है जब हम एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसके बाद हम हमारे सेकेंड स्टेटमेंट में जाते हैं विच इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट शोइंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश उस बेसिस पे हमारा जो लास्ट आंसर आता है वो आइर हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है या फिर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होता है तो जो हमारा लास्ट आंसर आता है वो कौन से रेशो में होता है कैपिटल रेशो में वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है रेशो ऑफ ड्राॅइंग्स में होता है या फिर इक्वली होता है तो वो हमारा जो लास्ट आंसर होता है दैट शुड बी इन पी एस आर विच इज़ कॉल्ड एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आई होप कि आपका ये कंसेप्ट अभी क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर शेयर रिस्यूड फ्रॉम अ लिमिटेड कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इन टू लिमिटेड कंपनी तो थोड़ा सा अमालगमेशन जैसा ही रिलेटेड पार्ट है तो जो शेयर रिस्यूड फ्रॉम अ लिमिटेड कंपनी है वो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल फाइनल क्लेम रेशियो ऑफ ड्राॅइंग से इक्वली तो डेट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फाइनल क्लेम तो जो फाइनल क्लेम होगा उसके रेशो में हम डिवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बढ़ते हैं विच इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अमालगमेशन अमाउंट पेएबल बाय अ परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर फर्म इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड परचेज कंसिडरेशन या नेट प्रॉफिट तो देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि अमाउंट पेएबल बाय परचेसिंग कंपनी टू द वेंडर फर्म एक परचेसिंग कंपनी जब एक वेंडर फर्म को वेंडर का मतलब होता है सेलर तो जो सेलर को पेमेंट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन तो अमालगमेशन में एवर वी आर परचेजिंग एनी बिजनेस वी आर पेइंग देम समथिंग एंड दैट मॉनिटरी कंसिडरेशन विच वी आर पेइंग इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन जब एक बिजनेस कोई दूसरे पर्सन को बेचता है तो उस टाइम पे वो जो सामने वाला पर्सन उसको कैश देता है मॉनेटरी कंसिडरेशन में शेयर्स देता है दैट बेसिकली इज द कंसेप्ट ऑफ परचेस कंसिडरेशन आई होप दिस कंसिडरेशन कंसेप्ट इज क्लियर टू यू क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं कैश बैलेंस टेकन ओवर बाय अ लिमिटेड कंपनी इज डेबिटेड टू रिवैल्युएशन अकाउंट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट तो कैश बैलेंस टेकन ओवर बाय अ लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा है तो ये लिमिटेड कंपनी वाला जो चैप्टर है हमारा उससे रिलेटेड पॉइंट्स है रिवैल्यूएशन अकाउंट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट या फिर रियलाइजेशन अकाउंट तो हमारा इसका राइट right आंसर बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो ये डेबिट किया जाएगा ऑन अमालगमेशन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस स कैपिटल देखो कंसेप्ट सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही है कि की, बात यहाँ पे की गई है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब मिसेलेनियस एक्सपेंसिस बोल सकते हैं मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर्स बोल सकते हैं फिर फिक्टीशियस असेट भी यहाँ पे बोल सकते है. अगर हम पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस की बात करेंगे तो वो हमारे लिए एक टाइप का रिजर्व है पर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोला है मतलब ये हमारे लिए एक एक्यूमिलेटेड लॉस है तो दैट इज वाई वो कहाँ पे जाएगा वो कहाँ पे जाता है वो जाएगा डेबिट

फिक्टिशियस असेट्स आर ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट्स तो अभी हमने डिस्कस कर लिया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि फिक्टिशियस अकाउंट्स जो असेट्स है वो कहाँ पे जाएंगे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे रियलाइजेशन में गुडविल में कैपिटल में कि प्रॉफिट एंड लॉस में आई होप कि आपको इसका आंसर अभी ऑलरेडी पता है तो ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा वो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा अगर वो रिजर्व uh, है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं परचेज कंसिडरेशन इज अमाउंट पेबल बाय ओल्ड फॉर्म टू न्यू फॉर्म न्यू फॉर्म टू ओल्ड फॉर्म न्यू फॉर्म टू बीओडी एंड न्यू फॉर्म टू द शेयर होल्डर्स तो परचेज कंसिडरेशन कौन किसे पेमेंट करता है बहुत ही सिंपल है आई होप कि इसका आंसर आपको पता है परचेज कंसिडरेशन हमेशा जो न्यू फॉर्म है वो ओल्ड फॉर्म को पेमेंट करेगा फॉर्म वो फॉर्म होता है जो ओल्ड फॉर्म का बिजनेस जो है वो टेक ओवर कर लेता है अभी मैंने अगर आपका बिजनेस टेक ओवर कर लिया तो आई विल बी द न्यू फॉर्म यू दई विल बी पेंग यू सम एंड इज नथिंग बट मॉनिटरी कंसिडरेशन एंड दैट कंसेज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन तो परचेज कंसिडरेशन तो हमेशा जो नई फॉर्म है वो ओल्ड फॉर्म को पेमेंट करती है आई होप की आपका ये कंसेप्ट अभी इसमें से क्लियर हुआ है क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं ऑन अमाल रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ तो रियलाइजेशन अकाउंट किसके बुक्स में ओपन किया जाता है ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी ये बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस क्वेश्चन में थोड़े ऑप्शन अलग दिए हैं वेंडर फॉर्म परचेसिंग फॉर्म मर्जर फॉर्म या एक्वायरिंग फॉर्म ध्यान से बहुत बढ़िया ऑप्शन है ताकि आपका थोड़ा सा इसमें से कंसेप्चुअल रिविजन हो सके

तो दैट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी या ओल्ड फॉर्म एंड ओल्ड फॉर्म इज नथिंग बट द वेंडर फॉर्म हु इज परचेजिंग यूर बिजनेस तो जो जिसको हम बिजनेस बेचने वाले मतलब अगर हम हमारा बिजनेस किसी को बेचेंगे तो हम वेंडर फॉर्म है सामने वाला जो है हमारा बायर होगा दैट इज द न्यू फॉर्म होगा तो दीज आर द्वेश्चन वी हैव डिस्कस Uh, अगला क्वेश्चन देखते हैं इलेवन नंबर का इन केस ऑफ अमाल गुडविल ऑफ बोथ द फॉर्म्स इज इग्नोर्ड गुडविल ऑफ़ बोथ द फर्म्स इज वैल्यूड सेपरेटली गुडविल ऑफ बोथ द फॉर्म्स मस्ट बी टेकन एट बुक वैल्यूज गुडविल ऑफ बोथ द फॉर्म्स इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो अमालगमेशन में बहुत ही सिंपल है गुडविल ऑफ द बोथ द फॉर्म्स इज वैल्यूड सेपरेटली दोनों के जो फॉर्म्स के गुडविल रहेंगे उसको हम सेपरेटली वैल्यू करते हैं उसको मिक्स नहीं करते हैं तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अमा आई होप दिस इलेवन क्वेश्चन इज क्लियर टू यू इसी तरीके से ये सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं तो सभी जगह पर जुड़ जाइए सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले बार जब वीडियोज आएंगे तब ऑटोमेटिकली आपको पता चले कि वीडियोज अपलोड हुए हैं Thank you very much next time milenge till then as always work harder be smarter